द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स इन इंटरवल इन इंटरवल जीरो टू थ्री पाई जीरो टू थ्री पाई जीरो टू थ्री पाई satisfying the इक्वेशन satisfying the इक्वेशन टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस फाइव साइन एक्स माइनस थ्री इक्वल जीरो इज चलो ऑप्शन इसका लिख लेते हैं इसका ऑप्शन है सिक्स सोल्यूशंस होंगे वन सोल्यूशन होंगे टू सोल्यूशंस होंगे और फोर सोल्यूशंस होंगे चलिए इसको बनाइए टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस फाइव साइन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो इसको सॉल्व करना है इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस आएंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको मालूम करना है इंटरवल दिया हुआ है जीरो से थ्री पाई थ्री पाई मतलब कितना हो गया पांच सौ चालीस डिग्री मतलब जीरो डिग्री से पांच सौ चालीस डिग्री के बीच में आपको निकालना है सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज करके इसको फैक्टराइज़ करो तो सिक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो यहां पे टू साइन एक्स कॉमन लोगे बच जाएगा साइन एक्स प्लस थ्री माइनस वन कॉमन लोगे बचेगा साइन एक्स प्लस थ्री फिर कॉमन क्या लोगे साइन एक्स प्लस थ्री बचेगा टू साइन एक्स माइनस वन दिस इज इक्वल टू क्या जीरो यानी साइन एक्स प्लस थ्री कभी जीरो होगा नहीं बच्चा क्योंकि तो साइन कितना भी छोटा होगा तो वो माइनस वन तक जाएगा तो अगर माइनस वन भी गया तो थ्री माइनस वन आपको टू मिलेगा जीरो कभी मिलने वाला नहीं है तो जीरो होगा कौन जीरो होगा टू साइन एक्स माइनस वन यानी यहां से आ गया साइन एक्स इज इक्वल टू वन बाई क्या टू अब क्या करते हैं यहां पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं साइन का ग्राफ से सॉल्यूशन निकालना बहुत आसान हो जाएगा ग्राफ क्या है जीरो से पाई पाई से टू पाई टू पाई से क्या थ्री पाई तो जीरो से पाई पाई से टू पाई और टू पाई से क्या थ्री पाई और यहां क्या वन बाई टू है तो वन बाई टू क्या होगा वन से नीचे ही होगा जस्ट बीचो बीच ऐसे कितना बार कट किया एक बार दो बार तीन बार चार बार तो जितना बार कट किया उतना क्या होगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन चलिए ऑप्शन में देखते हैं चार ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन डी इज करेक्ट देखो यार क्वेश्चन जब यहां पे मैं दे रहा हूं तो हो सकता है कि हमारा पूरा का पूरा फोकस जो है वो तुम पे है कि हम बेस्ट करें तुम्हारे लिए मेरी बात समझना हो सकता है कि वहां पे क्वेश्चन में मिस प्रिंट हो और मैं यहां पे गलत लिख दू ऑप्शन ये हो सकता है लेकिन तुमको क्वेश्चन के अनुसार जो मैं अप्रोच ले रहा हूं ना वो तुम्हारे लिए बहुत अहमियत रखता है कि मैं अप्रोच क्या ले रहा हूं मेरा अप्रोच कैसा है ठीक है तो वाई मिस्टेक जो होता है ना प्रिंटिंग हो सकता है मिस्टेक लेकिन हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो क्वेश्चन बनाने का है जो मेरा टेक्निक है वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वही आपके लिए उत्कृष्ट है इसलिए आप जो है ना मेन उसको देखना है कि सर सोल्व कैसे कर रहे क्वेश्चन को क्वेश्चन को बताने का तरीका सर का क्या है ये इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट वाइज मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कैलकुलेशन वाइज मिस्टेक चलता है यार जब आप बहुत बड़े बड़े काम को कर रहे हो तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है और वो कैलकुलेशन मिस्टेक कैसे दूर होगा वही चलते चलते प्रॉब्लम बनाते बनाते वो कैलकुलेशन मिस्टेक आपका दूर होगा इसलिए कॉन्सेप्ट वाइज आगे बढ़ता है बढ़ने बढ़ते जाना है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं चैलेंजर क्लास क्या देख रहे हैं चैलेंजर क्लास क्लास फोर है ये हम लोग का आज का है ना जेई 2024 को फोकस करते हुए हम लोग क्वेश्चन को रिवाइज कर रहे हैं फास्ट ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए उसे हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं देख रहे हैं ठीक है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं है ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है करा है कि इफ ऐसा क्वेश्चन हमेशा जितना मैं बता रहा हूं यार इसी से क्वेश्चन पूछेगा ये ध्यान रखना फ एफ रियल्ट टू एस रियल टू एस एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस रूट थ्री कॉस एक्स रूट थ्री कॉस एक्स प्लस वन इज ऑन टू फंक्शन इंटरेस्टिंग इज ऑन टू फंक्शन देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इज ऑन टू फंक्शन देन एस इज देन एस इज तो एस जो सेट होगा वो क्या होगा बताना है अगर ये ऑन टू फंक्शन है तो इसका सेट दिया हुआ है जीरो से थ्री उसके बाद बेसिकली दिया हुआ है माइनस वन से वन उसके बाद दिया हुआ है जीरो टू वन और उसके बाद दिया हुआ है माइनस वन टू थ्री ठीक है चलो सॉल्व करने का प्रयास कीजिए कैसे सॉल्व होगा Anybody? Quick comment? अभी तक तो, तो, तो नहीं आया है कुछ बात होती रहे है कि नहीं तो बेहतर होता है चलिए देखते हैं हम यह, यहां से ही बात करते हैं आपसे देखो जब कोई भी फंक्शन ऑन टू होता है जब कोई भी फंक्शन क्या होता है ऑन टू होता है तो उस केस में उसका जो रेंज होता है वो को डोमेन का इक्वल होता है है ना? और इस पार्ट को फंक्शन का डोमेन कहा जाता है और इस पार्ट को फंक्शन का को डोमेन कहते हैं चूंकि है, मतलब जो को डोमेन होगा वो रेंज का क्या होगा इक्वल होगा क्लियर मतलब कि आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन में घुमा फिरा करके आपसे रेंज पूछ रहा था क्या पूछ रहा था रेंज पूछ रहा था और रेंज निकालना आप अभी मैंने आपको टेक्निक बताया कि रेंज कैसे निकाला जाता है रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे यहां पे साइन एक्स है माइनस रूट थ्री कॉस एक्स है और प्लस वन है ए इक्वल टू वन ले लो बी इक्वल टू माइनस रूट, रूट थ्री और सी का मान वन ले लो तो बोलो रेंज क्या आएगा रेंज कैसे निकालते हैं मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाद में सी और फिर यहां अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाद में सी अब क्या लिख दोगे इसको माइनस माइनस ए स्क्वायर ए का वैल्यू क्या है वन बी का क्या वैल्यू है माइनस रूट थ्री तो माइनस रूट थ्री का स्क्वायर इसका अंडर रूट और प्लस सी सी बोले तो कितना वन वैसे यहां पे भी मिल जाएगा अंडर रूट वन का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर प्लस वन चलो इसका वैल्यू क्या आएगा रूट थ्री का स्क्वायर थ्री थ्री प्लस वन फोर फोर का रूट दो तो माइनस टू प्लस वन ए आ गया माइनस वन यहां माइनस रूट थ्री का स्क्वायर थ्री थ्री प्लस वन फोर फोर का रूट दो, दो प्लस वन थ्री तो माइनस वन से थ्री तक ये रेंज आ गया और जो रेंज आया वही को डोमेन है और को डोमेन कौन यहां पे है एस तो एस का मान निकल गया माइनस वन से थ्री ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन डी इज करेक्ट तो ये ध्यान देना है सर ऑन टू को सब्जेक्टिव फंक्शन भी बोला जाता है राइट बिल्कुल सही बोला जाता है सही बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फोर एक्स बाय अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज ट्रू Is true if and only if, if and only if Option A X minus Y not equal zero Option B X equal minus Y Option C एक्स प्लस वाई नॉट इक्वल टू इसमें जो है ना लवा लव है बाबू इस क्वेश्चन में देखने में छोटा लगे और घाव करे गंभीर यही ये यह क्वेश्चन है देखन में छोटा लगे और घाव करे गंभीर इसको मैं बताऊंगा गौर से देखना एक ही क्वेश्चन में कितना कुछ सिमटा हुआ है ना वो आपको समझ में आएगा तो यहां डी में जो है वो लिखेंगे एक्स नॉट इक्वल टू जीरो दिया हुआ और y नॉट इक्वल टू जीरो चलिए आपको बताना है कि ये ट्रू अगर है तो x और y में क्या रिलेशन होगा चलिए शुरू कीजिए ट्राई कीजिए इट एकदम अपना सोल्यूशन दो डोंट बी बुक किस, किताबी नहीं बनना है अपना सोल्यूशन करो तुम कॉपी निकालो पेज अपना करो जानते यार, हो यार प्रॉब्लम बने चाहने कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा ना यार ठीक है आवाज आ रही है तुम लोग के पास आर यू लिसनिंग ऑडिबल है करण यस yes. yes. हाँ देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने क्यों बोला कि ये क्वेश्चन देखने में छोटा लग रहा है और घाव गंभीर करेगा मैंने क्यों असाइटमेंट दिया इसका सबसे बड़ा कारण देखो बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो थीटा वेरिएबल के फॉर्म में दिया हुआ है और राइट हैंड साइड जो है वो एक्स बाई वेरियबल दिया हुआ है तो ये दोनों इक्वल होगा तो कैसे होगा सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहीं पे होता है और कह रहा है कि ये ट्रू है अरे घोड़ा का शादी घोड़े से घोड़े से ना होगा जी माने एक ही जात में ना होगा कि गधा से हो जाएगा तो वही बच्चा को प्रॉब्लम तो तो कैसे, कैसे हो गया तो बच्चा यहीं पे कंफ्यूज हो गया छोड़ दिया क्वेश्चन को लेकिन जो बच्चा तेज तर्रार है वो मार कर देता है कैसे वो कहता है साइन स्क्वायर थीटा कितना भी आगे बढ़ेगा तो वो एक और जीरो के बीच में रहेगा इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा जिसके इक्वल है वो वन और जीरो के बीच में रहेगा देखिए ध्यान से क्वेश्चन कैसे अप्रोच लिया जाता है और ऐसा क्वेश्चन आईटी एक बार नहीं पूछा है तीन चार बार पूछा है ऐसा क्वेश्चन कभी यहां पे दे देगा कौसे का स्क्वायर कभी दे देगा साइन स्क्वायर कभी दे, दे देगा का ध्यान रखना है तो अब यहां से दो केस लेंगे क्या क्या जब फोर एक्स बाई अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा और एक फोर एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू होगा अब गौर करो एक्स प्लस वाई का जो होल स्क्वायर है वो हमेशा जीरो से बड़ा होगा राइट इसका मतलब कंफर्म हो गया कि ये पॉजिटिव नीचे है तो जब नीचे पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव बटा पॉजिटिव ही पॉजिटिव मिल सकता है यानी अंडरस्टूड है कि यहां पे फोर इंटू एक्स बाई जो है वो पॉजिटिव होगा या जीरो से बड़ा होगा मतलब जीरो से जीरो होगा या पॉजिटिव होगा राइट। right? अब क्या करते हैं पे? इसको लिखते हैं फोर एक्स वाई लेस इक्वल टू एक्स प्लस का क्या होल स्क्वायर। अब क्या आ गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो अब क्या मिल जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या जीरो मिल जाएगा हम लोग को एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो इसके लिए क्या करना पड़ेगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो को या तो इक्वल होगा या कोई भी नंबर होगा एक्स और वाई या तो इक्वल होगा या कोई भी नंबर होगा यानी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर जीरो या जीरो से बड़ा हमेशा होगा क्या होगा हमेशा होगा यानी ये कंफर्म है कि केवल एक्स प्लस वाई कभी जीरो नहीं हो क्योंकि अगर X y अगर जीरो हो गया तो ये फिर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा यानी कहने का मतलब है कि X y जो है कि जो वो कभी भी जीरो नहीं होगा ऑप्शन ऑप्शन तो से आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं सोच लीजिए इस क्वेश्चन को आप पहले और ऐसा क्वेश्चन आईआईटी हमेशा पूछता है कहीं भी डाउट हो आप कमेंट में लिखे